गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप देख रहे थे कि आरसीआई एजुकेशन हब ऑनलाइन बानसूर की ऑनलाइन क्लास में हम प्रश्नावली 12.1 जिसके कि अब तक प्रश्न नंबर 5 तक हम करा चुके हैं, आज हम प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर तथा उसकी दो बराबर भुजाएँ ए और बी, ये हमने मान ली है बराबर 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता है परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीनों भुजाओं का योग दे रखा है। ए का मान 12 रख दीजिए, बी का मान 12 रख दीजिए, प्लस सी बराबर 30। 12 और 12 24 प्लस सी बराबर 30। सी बराबर कितना हुआ? 30 माइनस 24, यानी सी का मान हमारे पास में कितना आया? 6 आया। अर्थात यहाँ पर ए का मान 12, बी का मान 12 और सी का मान भी कितना? 6 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम यहाँ तक तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर चुके हैं। चूँकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके लिए हीरोन का नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या सूत्र होता है हीरोन का नियम, या कह सकते हैं हीरोन के नियम से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आपको याद होगा। अब देखिए, यहां से हम एस का मान रखते हैं अंडर रूट के अंदर। एस का मान आपको पता था, हमने एस का मान तो निकाला ही नहीं, इसलिए हमने क्या किया, यहां पर निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप एस बराबर, आपको याद था, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो बराबर 30 बटे दो बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर। तो देखिए 15 कोष्टक 15 माइनस ए, ए का मान कितना था? 12। 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, ये मान हमने अपनी तरफ से नहीं रखे, जो मान हमें दिया हुआ था वह मान हमने रख लिया। अब क्या करना है, देखिए 15 के 15, 15 में से 12 गए तो 3, फिर 3, फिर कितना हुआ? 9। अब आपको पता है आपको क्या करना पड़ता है, इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। 5 × 3, 3 × 3 गुणा 3 × 3, 15 के टुकड़े किए, ये 2 3 थे, 9 के कर लिए, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, 3 × 3 अंडर रूट में 5 × 3 बराबर 9 अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9 अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार दोबारा देख लीजिएगा चित्र, हमें दिया गया था समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो कितना था? 30 सेंटीमीटर। बराबर भुजाएं दे रखी थी, ए और बी मान ली हमने 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, 12 प्लस 12 प्लस सी बराबर 30,
सी का मान निकाल लिया हमने, कितना गया 6। तो ए का मान 12, बी का मान 12, सी का मान 6, फिर हमें क्या निकालना था, अर्ध परिमाप। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, 30 बटे दो बराबर कितना 15। फिर हम क्या करना है, हीरोन के नियम से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडरवुड में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से एस का मान जो हमने रखा वो कितना था 15, यहाँ पे निकाल लिया था हमने, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एस बराबर, सॉरी पंद्रह माइनस बारह, पंद्रह माइनस छः, ए बी सी का मान रख दिया, 15 के 15, 15 में से 12 गए तो 3, यहाँ भी 3, यहाँ कितने बच गए 9। अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 15 के 5 गुणा 3, इनके 3 गुणा 3 हो गए, 9 के कितने हो गए 3 गुणा 3। अब दो दो के जोड़े बनाते हैं तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, प्रत्येक जोड़े में से एक अंक बाहर लेते हैं, इस जोड़े में से एक अंक ले लिया 3, इस जोड़े में से एक अंक ले लिया 3, क्या बचा वर्गमूल में 5 और 3। क्यों, क्योंकि जोड़े में नहीं अकेले अकेली राशियां थी, तो 9√15 वर्ग सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हुआ 9√15 वर्ग सेंटीमीटर, या हम इसको चाहें तो 9 15 का वर्गमूल ले लीजिएगा और उसको 9 से गुणा कर दिया है, पॉइंटों में आंसर आ सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्नावली 12.1 समाप्त होती है। अगली वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 12.2 के साथ। धन्यवाद।